We are having new members in our group, Shri, Monica, Anil Gupta, and Kavita. And now we are in Old Delhi. We are having a full box. Kavita ji, you have attended first meetup here, the full box. How are you feeling? Very nice. It's very warm. Everybody is so friendly and warm, and the food is really good. You know, before I came here, I was a little hesitant. You know, I had to meet all strangers, yeah. And you know. So, but while I'm here, you know, it just feels like family. It feels like I've known them for ages. Oh, it's so much fun and really vibrant. Okay, so I think the same. I think it's a really warm and friendly group. Yes, I'm feeling very good. Because my family means an extended family. Great experience, good food, good set of people. This is my first time actually. I came as a guest here. Bahut maja aaya. It's very good, excellent. This is my second heritage walk here. First मार्च को मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे इस गैंग के साथ. जी. First मार्च को 2014 में मनोज से तेजी से पहली बार मिला था मैं. जी. मेरे लिए वो डेट इतनी सिग्निफिकेंट है कि आज भी याद है. I found a family. Here I am. Would you like to share your experiences about MY events? Yeah, so it's been 1 year that we are a part of MY और एक साल निकल गया, पता भी नहीं चला, एनिवर्सरी का टाइम आ गया. सबसे बड़ी खासियत क्या लगती है आपको इस ग्रुप में, शर्मीन जी? आई थिंक द वार्मथ एंड द लव एंड रिस्पेक्ट दैट एवरीबडी इज शेयरिंग अमंगस्ट ऑल द मेंबर्स, स्पेशली द ऑर्गेनाइजर्स. इतना वेलकम फील हुआ मुझे जब मैं पहली बार आई यहाँ पर. आई थिंक दिस इज माई 3rd or 4th इवेंट विद द ग्रुप. मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं कुछ लोगों को नहीं जानती हूँ या बिल्कुल अनजान लोग हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है. तो यहाँ के लोगों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत वार्मथ है यहाँ के लोगों में, और पार्टी जो होती हैं धमाल. एक परिवार जिसको कि पता नहीं कहाँ से, कब से, कैसे हम ढूंढ रहे थे, वो इस तरह से जाने अनजाने में हमें मिल जाएगा. अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी थी. आई हर्ड लॉट अबाउट दिस ग्रुप. मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा. सबसे मिलके बहुत अच्छे हैं सब. हम लोग आज पोर्टलक इवेंट में हैं. पोर्टलक इवेंट आज लोधी गार्डन में हो रही है. माई की ये कई पहले भी, इससे पहले पोर्टलक हो चुके हैं, और हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स हैं आज. हमारे साथ सोनल भट्ट हैं इंदिरापुरम से. सोनल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्रुप के बारे में? आज आपने पहली बार अटेंड किया है? पहली बार किया है, मुझे अच्छा लगा कि मैं इस ग्रुप में आई. यहाँ पे आके मेरे को कुछ अलग सी फील आया कि जैसे लाइफ होती है ना, जैसे सिंगल्स की लाइफ इतनी एंटरटेनिंग नहीं होती है. यहाँ आके मुझे लगता है कि बस अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है, शायद शुरू हुई है. आज हम हैं MY की लोधी गार्डन में होने वाली पोर्टलक इवेंट में, और हमारे साथ हैं MY के ऑर्गेनाइजर ATMP. ATMP की फुल फॉर्म आपको भी पता चलेगी. हमारे साथ हैं अरशद भाई. अरशद भाई, MY ग्रुप बनाने के पीछे क्या मकसद रहा? कोई मकसद पवन, कोई ऐसा तो नहीं था कि हमें कोई कहीं कोई अवार्ड लेना था. जी जी. या कोई और मकसद था? मकसद एक छोटा सा था कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं हम एक साथ मिलके और खुशी बांट सकें लोगों के साथ. हमारा खाली एक पर्पज़ ये था. हम लोगों का जो ये ग्रुप है, चार लाइक माइंडेड लोगों का, ये 4 का ग्रुप नहीं है, ये कम से कम 400 लोगों का ग्रुप है. और इसमें एक की नहीं चलती, इसमें 400 की चलती है. जो एक कह देता है वो सब मान लेते हैं. जी भाई, आप किस किस तरह के इवेंट्स इस ग्रुप में करते हैं? हम हर तरह के इवेंट्स करते हैं. इसमें आउटस्टेशन भी होते हैं हमारे, और कुछ हमारे लोकल इवेंट्स भी होते हैं इसमें, और हम हर सबको लेके साथ लेके चलते हैं. मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहूँगा इसके ऊपर. हम अकेले चले थे जानी भी मंजिल मगर, साथ मिलते गए और कारवा बनता. जी जी, हम 4 लोगों से मिले थे, और 40-400 लोग. मनोज भाई, दुबई गए थे आप लोग, और करीब 10 लाख रुपये का वो एक इवेंट था. आमतौर पर ऐसा meetup.com पे ऐसे इवेंट होते नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पवन भाई, अपन झूठ नहीं बोलेगा, कम कभी बोलता भी नहीं. अपन आपको साफ बात बोलेगा कि इस ग्रुप में आने का अपना मकसद था कि सबको साथ ले जाने का. और जो आप दुबई वाले के बाद में बोले, वो हम साफ बोलते हैं कि आज तक मीटअप में कोई गया ही नहीं है. पूरम जी, वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन कंडक्टिंग दिस ग्रुप. I still remember that day when I think we 4 were sitting in CP. We had a coffee meetup, and we started with a Facebook group, and then we just decided, you know, let's have a meetup group. It just clicked within 5 minutes, and the same day when I reached home, or maybe the next day, I saw Arshadji created a meetup group. Yeah. So it was so fun, and the response which we got in such a short span of time, that was really, really awesome. We
started with 5 or 10 people, and then you know, just in a, you know, I would say 3 or 4 months, yeah, we had a membership of more than 100-200 people, and now we are close to 300 people, I think. Yes, that's what I recall. So it's a wonderful you know, group where we all connect well, and we just try to spread happiness among everyone. थैंक यू। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग, कई लोग जो ग्रुप में लेडीज वगैरह होती हैं, लेडीज को उनको वो मैसेज वगैरह करते हैं उस तरह की, उस पर ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस मामले में तेजी भाई हैं, मैं हूँ, या मनोज भाई हैं, या पूना में, हम लोगों का एक शुरू से एक वो है कि अगर किसी मेंबर ने आपको कंप्लेंट करी है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं और फौरन उसको बाहर निकाल देंगे। इसमें हमारा कोई सोचना नहीं है, समझना नहीं है, उसमें हर किसी के पास पावर है इस चीज़ के। अगर तेजी भाई के पास मैसेज आता है या मनोज के पास आता है या इनके पास आता है तो इनको हमसे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चार को मिलने की ज़रूरत नहीं है, अचानक उसको डिबार्ट कर देना है, सीधी सी बात। और पवन, इसमें मैं एक बात और कहूँगा, शायद ही कोई ऐसा इवेंट हो, कोई मीटअप होगा जिसकी RSVP क्लोज होती होगी। हमारी हर RSVP आप देखो क्लोज करने। ग्रुप के मेंबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सब लोग? आइए, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली साथ लेके आइए। इट्स अ फैमिली ग्रुप, इट्स अ फैमिली, इट्स माय ग्रुप, इट्स माय फैमिली। इफ यू वांट टू हैव फन, आई थिंक यू शुड जॉइन MY। तो ये थे ATMP MY ग्रुप के ऑर्गेनाइजर, और मैं समझता हूँ कि काफी सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और इस पार्टी में अब जो ये वीडियो दिखाई जा रही है, ये वीडियो जर्नलिस्ट गुरविंदर जी, एंड दिस इज पवन जिंदल। थैंक यू, थैंक यू।